बिहार में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और किशनगंज में भी, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे भी तेजी से मतदान का काम चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं और यहाँ पर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं और जाहिर सी बात है पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके के इंतजाम पूरे ज़िले में किए गए हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमार आशीष, जो कि किशनगंज से एसपी भी हैं और उन्होंने भी अपना वोट डाला है, उनकी पत्नी ने भी वोट डाला है। सर थोड़ा सा पहले आप दिखा दीजिए आपने वोट डाल दिया है क्या। जी हाँ, मैंने बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र के महापर्व में आज मतदान किया है और मैं बता दूं कि ज़िले में संवेदनशीलता को देखते हुए सभी बूथों पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सीपीएमएफ की कंपनियां भारी मात्रा में सभी बूथों पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा के इतने माकूल इंतज़ाम हुए हैं जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज सभी बूथों पर लगभग लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाता जो है निर्भीकतापूर्वक एक शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करके भारतीय लोकतंत्र का महापर्व आज मना रहे हैं। खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर से भी इलाका लगता है, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बंगाल भी है अगर है उस माने, तो वहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा लगाई गई है। देखिए, नेपाल से हमारे 11 थाने की सीमा जो करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा की है और बंगाल से हमारा 105 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये बॉर्डर हम लोगों ने सील करवा दिया है, वहाँ पर लगातार गश्ती और चेकिंग चल रही है। किसी भी तरह की अवांछित चीज़ें, चाहे अपराधी हो, अपराधकर्मी, हथियार या रुपए पैसे का आवागमन टोटली बंद करा दिया गया है। इसमें नेपाल पुलिस और बंगाल की पुलिस का भी हमें सहयोग मिल रहा है। हमारी टुकड़ियाँ भी लगातार चेक पोस्टों पर गश्ती कर रही हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो कुमार आशीष, किशनगंज एसपी ने अपना वोट डाल दिया है, उनकी पत्नी ने भी वोट डाला है और साफ तौर बता रहे हैं कि पूरे ज़िले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदाता जो है वो बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग कर सकें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह। See you.